दोस्तों, अगर आप 25,000 के रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर तरीके के स्मार्टफोन को लिस्ट किया हुआ है। जैसे कि इसमें आपको कैमरा बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, कोई गेमिंग सेंटर का स्मार्टफोन होगा, कोई डिजाइन सेंटर का स्मार्टफोन होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटी यू कैन चूज एनी स्मार्टफोन फ्रॉम दिस लिस्ट एंड बिलीव मी यू वुड नॉट रिग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज IQOO Neo 7। Yes, अगर आपको एक गेमिंग सेंटर का स्मार्टफोन चाहिए ना, तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है अंडर 25,000 बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। यस, दिस स्मार्टफोन कम्स विद मीडियाटेक डायमेंसिटी 200 प्रोसेसर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोसेसर इज रियली ग्रेट। मतलब 2-3 घंटा भी गेमिंग करेंगे ना, फिर भी ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा और 90 FPS पे आप पबजी वगैरह खेल सकते हैं। बहुत अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है। साथ ही इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट, बट हाँ, फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा। और कैमरे की बात करें तो इसमें मेन सेंसर 64MP का दिया गया है, कैमरा ठीक ठाक वर्क कर लेता है और डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। बट अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन फिलहाल 27,999 रुपीज पे मिल रहा है, बट ऑफर में आपको ये 25,000 रुपीज में आसानी से मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज Motorola Edge 40 Neo। और इस स्मार्टफोन का हमने डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ दिस स्मार्टफोन इज काइंड ऑफ डिजाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन, जिसमें आपको लेदर बैक देखने को मिल जाता है, कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पतला है। साथ ही इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, मतलब 40,000 के रेंज के स्मार्टफोन में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यस, दिस स्मार्टफोन कम्स विद IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। साथ ही इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी कई बार नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी दी गई है एंड 67W का फास्ट चार्जर दिया गया है। और प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में ठीक माना जाएगा। और डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, सोशल मीडिया कंजम्पशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। अभी इस स्मार्टफोन का प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है, कहीं पर आपको 23,000 कहीं 24,000 आपको देखने को मिलेगा, बट ये स्मार्टफोन 21,000 में बिका है ऑफर में और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन था और अभी भी है। बट हाँ, अगर उस प्राइस रेंज में मिले 21,000-20,000 में, तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज रेडमी नोट 13 Pro 5G। इस स्मार्टफोन का हमने रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है और इस स्मार्टफोन का प्राइस मुझे पड़ा था 23,000 रुपीज। अभी इस स्मार्टफोन का प्राइस है 26,000 के अराउंड, बट हाँ, ऑफर में आप 23,000 में आराम से ले सकते हैं। ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और मार्बल टेक्सचर डिजाइन देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन बहुत स्लिम है और इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज स्मार्टफोन का ये लगा कि इसमें बेजल बहुत कम, ना के बराबर बेजल देखने को मिल जाता है और चिन्ह भी बहुत कम ना के बराबर चिन्ह है। और डिस्प्ले इस स्मार्टफोन का इतना अच्छा है कि इसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है ये डिस्प्ले। और Redmi के Note सीरीज का ये पहला स्मार्टफोन है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और AMOLED डिस्प्ले भी इसमें दिया गया है। साथ ही बैटरी भी इसमें आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, 5100mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 67W फास्ट चार्जर। और इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है फुल डे बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हुए, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कार्ड पर लिंक दिया हुआ है। और प्रोसेसर भी इस स्मार्टफोन का आपको ठीक देखने को मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर है जिसका AnTuTu स्कोर करीब 9 लाख के अराउंड है, which is great। साथ ही स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है और स्पीकर का क्वालिटी अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज Realme 12 Pro Plus 5G। ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए जिनको डिज़ाइन बहुत अच्छा चाहिए और कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट का ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है और वो भी सोनी का लेंस है 32MP का। मेन सेंसर अगर देखा जाए तो वो है 50MP का और वो भी सोनी का लेंस है। और कैमरे का क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगा, बट जिस तरीके का ये लोग टेलीफोटो लेंस का प्रचार कर रहे थे वैसा क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वालिटी ठीक है, बट हाँ, इस प्राइस रेंज में टेलीफोटो लेंस होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो कैमरे का क्वालिटी इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन इसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन को डिज़ाइन किया है लग्जरी वॉच डिज़ाइनर ने और इसके कैमरे का जो कटआउट है ना, वो भी किसी लग्जरी वॉच से कम नहीं लगता है। साथ ही डिस्प्ले भी इस स्मार्टफोन में बहुत अच्छा दिया गया है, सुपर AMOLED डिस्प्ले और वो भी कर्व है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और बैटरी की बात करते हैं, इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 67W फास्ट चार्जर। नाउ द प्रोसेसर इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें दिया गया है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर। और Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 एंड Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 को कंपेयर करें ना, तो करीब 1 लाख का AnTuTu स्कोर में डिफरेंस देखने को मिलता है। सो ये हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो, किसी के लिए कम हो। मुझे लगता है कि ठीक है,
कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर यूज़र नहीं है ना, तो ये स्मार्टफोन आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नाउ द नंबर वन स्मार्टफोन इन दिस लिस्ट इज पोको X6 Pro 5G। यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इन दिस प्राइस रेंज बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको दिया गया MediaTek Dimensity 8300 Ultra का चिपसेट, विच इज ग्रेट। आई मीन इस स्मार्टफोन का अगर AnTuTu स्कोर देखे ना, तो 14 लाख के अराउंड आता है, जो कि इस प्राइस रेंज के किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्राइस रेंज का तो छोड़ो, अगर 40,000 के रेंज के स्मार्टफोन में भी देखो ना, तो बहुत कम स्मार्टफोन में आपको इतना ज्यादा AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है ये। और सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी एंड 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में और Redmi Note 13 Pro में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। बट जो डिफरेंस है वो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि इस स्मार्टफोन का जो बॉडी है वो प्लास्टिक है, बैक भी प्लास्टिक है, मतलब कि इनहैंड फील जो है ना वो इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको चाहिए, बाकी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, देन यू कैन गो विद दिस स्मार्टफोन। दिस स्मार्टफोन इज स्पेशली फॉर द गेमर्स। If you are a gamer, you can go with this smartphone. दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये जो वीडियो है ना, मैंने बहुत दिन बाद बनाया है, टॉप 5 स्मार्टफोन वाली वीडियो, पिछले साल बनाया करता था। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ अच्छी लगती है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, मैं इस तरीके की वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी एक नया चीज़ शुरू किया हूँ, हर रोज़ लाइव आ रहा हूँ 10 बजे। सो अगर आप देखना चाहते हैं, मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, देन यू कैन जॉइन मी ऑन लाइव स्ट्रीम, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।